माननीय DIG पटियाला रेंज ते SSP पटियाला दी गाइडेंस है। पटियाला पुलिस नू एक बड़ी कामयाबी मिली जदों ASP सिटी 1 वैभव चौधरी IPS ते इंस्पेक्टर हरजिंदर ढिल्लो SHO कोतवाली ते सब इंस्पेक्टर गुरप्रीत कौर की टीम वालों एक नौजन्मे बच्चे नू खरीद फोड़ करने वाले ऑर्गनाइज्ड गैंग का पर्दाफाश किया गया। साढ़े को खुफिया इनफॉर्मेशन सी जिसके तहत 30/8/2024 सोनोरिया अड्डा को रेड करके एक गैंग नू काबू किया गया और गैंग के 3 मैंबर नू अरेस्ट किया गया। उन्होंने नाम कुलविंदर कौर ते सरबजीत कौर ते राजेश कुमार है। जिहड़ी कुलविंदर कौर है ये एक प्राइवेट नर्स का काम करती है, इहदा पिछोकर मोगे का है। जिहड़ी सरबजीत कौर है वो एज ए बिचौलन काम करती सीगी ते जिहड़ा राजेश है वो भी एज ए बिचौलन काम करता सीगा। इन्हां नू अरेस्ट करके इन्हां दी रिमांड हासिल की गई। जदों अगे पूछगिछ की गई तो ये काफ़ी ऑर्गनाइज और बड़ा गैंग साबित हो रहा है। इन्हों का जरा पिछुकर देखें तो मोगे एंड मुक्तसर साहब तक भी जा रहा है। इन्हों की पूछगिछ तो बाद जो असी मुक्तसर साहब पासे रेड की गई तो उत्थे एक जसनदीप कौर ते कमलेश कौर नू काबू किया गया। जरा पहला रेड होया सीगा उहदे विच 10 दिन के एक बच्चे नू बरामद किया गया। जरा दूजा रेड होया मुक्तसर साहब वाला उत्थे 3 दिन की बच्ची नू बरामद किया गया। जिहड़ी ये गैंग है काफ़ी ऑर्गनाइज तरीके नाल काम करता है। इन्हां दी पुछगिछ भी आगे जा रही है और जिहड़े बच्चे बरामद किए गए उन्हां दी देखभाल वास्ते डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर दे तालमेल करके इन्हों नू हॉस्पिटल से एडमिट कराता गया है। और इहदे विच 2 मॉड्यूल हले तक सामने आए, एक जरा मोगे वाला मॉड्यूल है, दूजा मुक्तसर वाला मॉड्यूल है। मोगे वाले मॉड्यूल से भी आगे पुछगिछ जा रही है तो तफ्तीश जा रही है। असीं रेड भी वक्त वक्त थावां ते कर रहे हैं। ये पता की करते सी इन्हों का बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी सी कि ये भोले भाले फैमिली नू जिन्होंने बच्चे की लोड़ होंदी सी या तो उन्होंने काबू च कर लेंदे सी कि तुहाड़ा मतलब सोखे तरीके नाल बच्चा दिलवा देंगे एंड इलीगल तरीके नाल विदाउट फॉलोइंग एनी गाइडलाइन कोई भी पेपर वर्क नहीं कराते सी उस तरीके नाल जिहड़े मजबूर होंदे सी सपोर्ट कोई दिहाड़ी वर्कर है कोई लेबर क्लास का बंदा है उन्होंने नाल सेटिंग फिक्स कर लेंदे सीगे। उत्थों 70,000-80,000 बच्चे लाकर अगे 7,00,000-8,00,000 से भेजते सीगे। जरा ये गैंग है इन्हों का जरा नेटवर्क है पंजाब से तो फैला है। साढ़े पूछगिछ ये भी आया कि दिल्ली तक भी ये बच्चे सप्लाई करते सीगे। असी उस एंगल नू भी असी वेरीफाई कर रहे हैं। मोस्टली ये इंटरस्टेट गैंग निकलना है और ये मतलब काफ़ी जो प्राइवेट है ना सफाई कर्मचारी होंगे हैं या हेल्थ वर्कर होंगे हैं या सॉर्ट ऑफ आशा वर्कर होंगे हैं उन्होंने भी नेटवर्क सामने आ रहा है। हले तक एक बच्ची रिकवर हो रही है। बच्चे की उम्र बेसिकली 10 to 12 दिन की है और बच्ची 3 दिन की है। देखो तुहानू मैंने दस दिया कि ये 2 मॉड्यूल सामने आ रहे, एक मोगे का एक मुक्तसर साहब का, असं वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कि किसी पिछों ये 70,000-80,000 खरीद कर लेके आते कि अगे 4,00,000-5,00,000 एज पर रिमांड। देखो हाले तक जी पूछगिछ हुई है वो 4-5 बच्चे का तो क्लियर हो गया है। तो जी सारी असैसमेंट है वो तो सूँ लगता है घट्टो घट 15-20 बच्चे का तो ये ही निकल जाना है। हाँ ये सालों तो काम कर रहे हैं क्योंकि जरा एक इन्फॉर्मेशन सूँ मिला है कि उत्थे 2 साल पहले बच्चा सप्लाई होया सीगा। असी वही वेरीफाई कर रहे हैं, उन्हों की फाइल भी असी कर रहे हैं, जिमें वो इस्टैबलिश हो गया एज पर कानून वो भी एक्शन लगे। नहीं वो मोगा कोसी पिंड की रहने वाली है। पटियाले बच्चे नूं देण आए सीगे। देखो एक पार्टी नाल इन्हां दी डील 4,00,000 दी हुई सीगी, एक नाल 5,00,000 दी हुई सीगी। देखो असी तफ्तीश करो, तफ्तीश का पार्ट है क्योंकि ये काफ़ी ऑर्गनाइज है, सारी डिटेल असी साझा हले नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जरा अपना तफ्तीश है वो वक् वक् थावा के सके तो उन्होंने भी असं लिंकेज इस्टैबलिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी क्योंकि जरा ये दिल्ली वाला एंगल आ रहा है वो काफ़ी वेरीफाई करने वाला पॉइंट है क्योंकि दिल्ली किस वास्ते ये भेजते सके, नॉर्मल एडॉप्शन वास्ते भेजते सके या फिर किसी और पर्पज का। असी वो भी वेरीफाई कर रहे हैं, उन्होंने खिलाफ़ जो भी शहादत आएगी एज पर कानून उन्होंने खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ना होवो परेशान, सारे इरमा दी काट मेरे कोल। बेगम शहनाज जी,
25 साल का तजुर्बा 9 इलमां की ताकत मेरे किते नूं कोई कट नहीं सकता। मन चाहे प्यार लई माता पिता नूं मनाउणा, पति पत्नी च अणबण जां घरेलू कलेश, नौकरी जां कारोबार विच रुकावट, ग्रीन कार्ड ते पीआर विच रुकावट, वशीकरण जादू टूणा, गुप्त वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्रेमी प्रेमिका वश विच करो, लाटरी चाहे कोई भी होवे जरूर निकलेगी, विश्वास खो चुके एक बार फोन जरूर करो अते सच्चाई जाणो, तुहाडा विश्वास टुटन नहीं देवांगी। बेगम शहनाज जी, संपर्क करो 87250 4658 872504068।